श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना राजा तला वाराणसी कक्षा दस का आज हमें संस्कृत पढ़ना है। तो संस्कृत में पहले हम विषय क्रम जान लेते हैं, विषय वस्तु भी जान सकते हैं या विषय सूची भी कर सकते हैं। तो इसमें इसका विषय क्रम है गद्य पद्य कथा नाटक कौमुदी तथा संस्कृत व्याकरण। तो इसमें सबसे पहले हम गद्य पढ़ते हैं। अब गद्य क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो जिसे हम जैसा कि आप हिंदी में जानते हैं कि गद्य किसे कहते हैं, तो यानी ताल छंद लय तुकबंदी एवं विचारपूर्ण वाक्यबद्ध यानी तथा वाक्यबद्ध भाषा यानी रचना को गद्य कहते हैं। गद्य यानी गद्य की उत्पत्ति या उद्भव कैसे हुआ, गद्धा यानी गद्य की उत्पत्ति गत धातु ठीक है के साथ यत प्रत्यय जोड़ने पर हुआ है ठीक है। इसके बाद संस्कृत साहित्य पर एक दृष्टि भी देते हैं। संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत गद्य अनेक शताब्दियों में निरंतर विकसित तथा परिष्कृत होता रहा है। यानी इसमें कहा गया है कि संस्कृत गद्य अनेक शताब्दियों से यानी अनेक सालों से अनेक शताब्दी यानी ईस्वियों सन जो भी हुआ है उसे कहते हैं, तो उसे निरंतर विकसित तथा परिष्कृत होता रहा है। संस्कृत में गद्य का प्राचीनतम रूप कृष्ण यजुर्वेद में मिलता है। इस वेद की तैतरीय संहिता कांठ संहिता यानी काठक संहिता तथा मैत्रायणी संहिता आदि का लगभग आधा भाग गद्य में ही है। इस गद्य में हमें एक विशिष्ट यानी सार्वत्ता भी कहते हैं, सार्वत्ता सौंदर्य तथा मोहकता के दर्शन भी होते हैं। वाक्य छोटे छोटे चुस्त तथा मुहावरेदार होते हैं, वाणी के पीछे अर्थ भागता हुआ सा चलता है। यानी इस संस्कृत गद्य में मानो वाणी के पीछे अर्थ भागता हुआ सा चलता है। इसमें समासों का सामान्य प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है यानी दिखाई देता है या प्रयुक्त तो हुआ दिखता है। यह गद्य प्रांजल तथा प्रवाहपूर्ण है ठीक है। और यह कालक्रम में कुछ उतरकर अथर्ववेद का गद्य आता है ठीक है। तो अथर्ववेद का लगभग छठा भाग गद्यात्मक ही है। तो इस प्रकार संस्कृत गद्य का प्रारंभ वैदिक साहित्य के मंत्रकाल में ही हुआ है। इस पाठ को शुरू करने से पहले इसमें दिया है मांगलिकम यानी मंगल योग्य बनना, जिसे अपनी अपने मंगल के लिए प्रार्थना करना तो मंगल हो मांगलिकम। तो यहाँ पे अब ये जो मांगलिकम श्लोक दिया है इसको हम पढ़ लेते हैं मांगलिकम ठीक है। ध्यो शांतिर अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिर आप शांतिर औषधय यानी शांतिर औषधय शांति औषधय उसको हम संधि अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, शांति प्लस औषधय तो यानी शांति औषधय शांति। वनस्पतय वनस्पत यानी वनस्पति शांतिर्विश्वे शांतिर्विश्वे यानी जो र है उसको हम विसर्ग के रूप में रख देते हैं तो यानी यहाँ पे शांति विश्व यानी शांति विश्व यानी विश्व। देवा शांतिर्ब ब्रह्म देखो यहाँ पे वही फिर दिया है तो शांतिर जो र है इसमें यानी देख रहे हैं र इस पे लगा हुआ है तो ये र का हमारा मतलब यहाँ विसर्ग हो जाएगा ठीक है। विसर्ग संधि में आते तो हमारा र क्या होता है विसर्ग का रूप ले लेता है यानी शांतिर ब्रह्म तो शांति है ब्रह्म शांति सर्व शांति सर्व शांति सर्व शांति शांतिरेव शांतिरेव अब इसको हम अलग करते हैं तो शांति एव ठीक है शांतिर एव शांति सा माँ शांतिर धी ठीक है। अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं इसमें क्या मतलब इसमें प्रार्थना की गई है अपने मंगल कामना की ठीक है। तो अपने मंगल कामना की प्रार्थना की गई है तो इसमें या मंगल कामना की गई है भी कर सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है सबसे पहले हम इन सबका अर्थ देख लेते हैं होता क्या है इन सबका अर्थ जो शब्द दिए हैं इन सबका पहले अर्थ समझेंगे तो फिर उसके बाद हम वाक्य बनाकर पूरा आपको बताएंगे। तो देख लेते हैं ध्यो ध्यो मतलब होता क्या है आप जानते हैं ध्यूलोक भी कह सकते हैं ठीक है।
शांति शांति, अंतरिक्ष अंतरिक्ष, शांति शांति होता है, पृथ्वी पृथ्वी, शांति यानी शांति। आप भी दिया इसमें भी देखिए र है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा विसर्ग का रूप ले जाएगा यानी हो जाएगा तो यह शांति हो जाएगा अलग करेंगे तो। आप यानी जल होता है, शांति रोषधय यानी शांति औषधय हो जाएगा ना, मैंने पहले ही बताया था कि इसको हम अलग करेंगे तो शांति यानी शांति है औषधय हो जाएगा। तो शांति औषधय, शांति शांति का मतलब होता है शांति, औषधय यानी औषधि, शांति यानी शांति का शांति ही होता है शांत, ठीक है। वनस्पतय वनस्पतियाँ, शांतिर्विश्व शांतिर्विश्व, शांति का अर्थ होता है शांति, विश्व विश्व, देवा मैंने होता है देवता, जो देवता गढ़ है उनके लिए कहा गया शांतिर् ब्रह्म शांति, शांतिर्ब्रह्म शांति यानी ब्रह्मस्थ जो संपूर्ण ब्रह्मस्थ में फैला हुआ है वह शांति, ठीक है। तो इसकी बात की गई तो यानी ब्रह्मस्थ शांति शांति। सर्व शांति यानी ब्रह्मस्थ शांति, अब यहाँ पे हुआ है तो सर्व शांति यानी सब जगह यानी सर्वत्र व्याप्त भी कर सकते हैं या सभी जगह फैली हुई, ठीक है फैली हुई। शांति शांति ये माने ही होता है, सा मा शांतिर्धि, सा मा सा माने वह, मा माने मुझे, शांति माने शांति होता है। अब यहाँ पे धी दिया है तो जो वास्तविक है, वास्तविकता भी कह सकते हैं तो वास्तविक, तो यहाँ पे इसका हमारा पूरा अर्थ मिला, इसको पूरा मिलाकर अर्थ बताते हैं आपको। यानी इसमें अपने मंगल की कामना करते हुए कहा गया है कि जो लोग ध्योलोक में यानी ध्योलोक अंतरिक्ष पृथ्वी जल औषधि वनस्पति संपूर्ण देवतागढ़ ब्रह्मस्थ यानी ब्रह्मस्थ शांति सर्वत्र या सब जगह फैली हुई या व्याप्त शांति तथा जो वास्तविक शांति है वह मुझे प्रदान यानी वह मुझे प्राप्त हुए। फिर से इसका एक बार अर्थ देख लीजिए, जो लोग यानी मंगल कामना करते हुए कहा गया है इसमें कि जो लोग ध्योलोक अंतरिक्ष पृथ्वी जल औषधि वनस्पति संपूर्ण देवतागढ़ ब्रह्मस्थ शांति और सब जगह व्याप्त शांति या फैली हुई शांति तथा जो वास्तविक है यानी जो वास्तविक शांति है वह मुझे यानी हे ईश्वर वह मुझे प्राप्त होवे, ठीक है। यह हमारे मांगलिकम का अर्थ था। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसमें हमारी बात या फिर हमारा बताया गया तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।